तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TRA वर्सेस CIS के मैच में मैच के बारे में, और हमेशा की तरह सारी बातें आपको बताऊँगा, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर तरफ से आपको पॉइंट देने का कैपेसिटी रखेंगे और आपको विन करवा के देंगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस मैच में सिंगल रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए, और आपको विनिंग करवा के भी दे सकते हैं वो सब प्लेयर। तो स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग दोनों के नज़रिए से बात करेंगे छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। और सीधा चलते हैं स्टैट्स की तरफ हम लोग। भाई लोग, पहले हम बात करते हैं CRS की टीम के बारे में। ओपनिंग करते हुए देखेंगे आपको अब्दुल रहमान, साथ में देखेंगे रजमानी संधू, तीसरे पर आपको देखेंगे बाबर हुसैन और चौथे पर आतिक रहमान। तो ये होगा इनका टॉप ऑर्डर। इन चारों पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि दोनों ही टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसी वजह से काफ़ी कम चांस है कि दोनों टीम की ज़्यादा विकेट गिरे। तो ये होगा इनका चार ऊपर के चार बैट्समैन। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो दो ओवर की बॉलिंग आपको करते हुए देखेंगे सुखराज सिंह, रजमानी संधु, दीपेंद्र शेखावत और अब्दुल रहमान। ठीक ना, इनका ज़्यादा फिक्स नहीं है कि बॉलिंग करेंगे, लेकिन हाँ, पार्ट टाइमिंग बॉलिंग करते हुए आपको दे सकते हैं। बात करते हैं TRA टीम के बारे में। तो TRA की तरफ से आपको टॉप ऑर्डर में खेलते हुए देखेंगे असद तनवीर, जो गजब के बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, लास्ट मैच में भी 300 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने स्कोरिंग की थी। फिर आपको देखेंगे मोहम्मद कासिफ, तीसरे पर लवप्रीत सिंह और चौथे पर आतिफ रजा, जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। ठीक ना, तो ये होने वाला है TRA की टीम का टॉप ऑर्डर, चार प्लेयर स्टार्टिंग के। और दो ओवर आपको डालते हुए देखेंगे ऐसे मारूफ खेल, साकिब अरशद, मोहम्मद कासिफ, अली रजा और सदाकत अली। आपको डेथ में डालते देखेंगे ऐसे सदाकत अली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं आपको फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ, पूरा फ्री में, कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता और आपका अच्छा खासा विनिंग भी करवाया जाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप में मिल जाएगा। देख सकते हो आप लोग, बैक टू बैक हमारा विनिंग हो रहा है, देख सकते हो आप लोग कितना सारा विनिंग है। तो ऐसा ही विनिंग आप सभी को भी मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट बॉक्स के टॉप में, कमेंट वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो कमेंट होगा वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं डायरेक्टली टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पे आपको दो प्लेयर दिखेंगे, एन रमजान और ए आसिक। तो जो टीम पहले बैटिंग करे, जिसकी टीम पहले बैटिंग करे, आप उनको ट्राई करना, क्योंकि दोनों ही चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे, मतलब सेकंड डाउन। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी, आप उसके प्लेयर को ले सकते हो, विकेट कीपर को ले सकते हो, आपके लिए सही पिक रहेंगे। मैं फिलहाल के लिए ए आसिक के साथ जा रहा हूँ। बात करते हैं विकेट बैटिंग सेक्शन की, यहाँ से असद तनवीर मस्या पिक रहेंगे अब्दुल रहमान के साथ में। दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे अपनी टीम के लिए, गजब के बैट्समैन है, दोनों ही हार्ड हिटिंग करते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ से बाबर हुसैन भी काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे, ये भी आपको हार्ड हिटिंग करके देंगे। और यहाँ से एल सिंह जो है भाई, देखो बहुत धीमा खेलते हैं और मतलब जल्दी अपना विकेट देते नहीं, लेकिन जल्दी रन भी नहीं बनाते हैं, इस वजह से इनको नहीं ले रहा मैं अपनी टीम में। और यहाँ से आप चाहो तो अतीक उर रहमान को आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर CRS की टीम पहले बैटिंग करें। ये भी कुछ असद तनवीर जैसे ही हैं, गजब के बैट्समैन हैं, हार्ड हिटिंग बिल्कुल, 200-300 के स्ट्राइक रेट के साथ हमेशा स्कोरिंग करते हैं जब भी लंबी पारी खेलते हैं, तो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। ओनली 12% सिलेक्शन ट्रंप हो सकते हैं। तो भाई लोग, अब बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। यहाँ से आपको काफ़ी सारे पिक मिल जाएंगे। यहाँ से आपको नेक्स्ट पिक फर्स्ट पिक करना है आर सिंह संधु, जो अपने टीम के लिए ओपनिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग करेंगे और अच्छे खासे पिक रहेंगे आप सभी के लिए। यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेंगे एम कासिफ, इनका भी सेम रोल है, ओपनिंग प्लस दो ओवर का बॉलिंग, तो काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे दोनों ही स्मॉल लीग के CVC के लिए। और यहाँ से ए सलीम रजा भी भाई आपको सेकंड राउंड बैटिंग प्लस दो ओवर का बॉलिंग दे रहे हैं। तो अब भाई देखो, अब हो क्या रहा है, T10 के जो मैचेस है ना, ये वाला जो सीरीज़ है ये एंड होने वाला है, तो मतलब सेमीफाइनल जाइए क्वार्टर फाइनल। तो यहाँ से जो मैचेस होंगे सब रिस्की होंगे, इसलिए ट्राई करना आप हेड टू हेड खेलना या फिर ओनली ग्रैंड लीग खेलने की। ठीक ना, 3-4 मेंबर बिल्कुल मत खेलना, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आप सभी के लिए, इसलिए बिल्कुल सेफ टीम के साथ जाओ और हेड टू हेड खेलो हो सके तो, वरना आपका लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक ना, क्योंकि ये सब मैचेस अब होंगे रिस्की। तो बात करते हैं आप बॉलिंग सेक्शन की। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे पिक दिख जाएंगे। यहाँ से मैं फर्स्ट पिक करूँगा एज खान को, और जो भाई अच्छे बॉलर है और हर मैच में कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हुए आ रहे हैं। सदाकत अली भी अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको। और यहाँ से एस सिंह, तीनों ही कंसिस्टेंट हर मैच में बैक टू बैक विकेट निकालते हुए आ रहे हैं। और यहाँ से लास्ट पिक बचता है हमारे पास एक, तो अगर CRS की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं यहाँ से अतिकुर रहमान को ले लूँगा, जो गजब के बैट्समैन है और इनका बैटिंग काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इस मैच में आपके काफ़ी अच्छे खासे पिक बन सकते हैं। ओनली 12% सिलेक्शन है। और अगर TRA की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं यहाँ से किसी एक बॉलर को उठा लूँगा, या तो मारूफ खेल या फिर ए साकिब अरशद, ये भाई कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सब लोग ज्वाइन कर लेना फटाफट। तो फिलहाल के लिए मैं अतीकुर रहमान के साथ जा रहा हूँ। तो मेरे भाई, कुछ इस प्रकार से आपको हमारी स्मॉल लीग की टीम दिखेगी। कैप्टनसी में ऐसे देने वाला हूँ आर सिंह संधू को,
वाइस कैप्टन भी रहेंगे एम कासिफ। तो ये रही भाई हमारी स्मॉल लीग की टीम, और हो सकता है इनमें से कुछ प्लेयर ना खेलें, क्योंकि भाई टी10 जैसे मैचेस में कुछ कंफर्म नहीं होता कौन सा बॉलर आपको दो ओवर का बॉलिंग देगा, कौन सा बैट्समैन किस नंबर पे आपके आके बैटिंग करेगा, और हो सकता है भाई इसमें से कुछ ऐसे प्लेयर हो जो ना खेलें। तो उन सबका जो अपडेट होगा, आपको किसको आपको रिप्लेस करके लेना है, सबका अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।